हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल मैक। अभी इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। दिस इज डेली चार्ज 12, जो हमने बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर सॉर्ट किया है कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर इक्वल अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, एलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ पॉइंट। सो दिस इज द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दीज आर इक्वल अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट। सो द ऑप्शन ए हियर, अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइजेस फ्रॉम। सो इलास्टिक मॉडुलस मतलब यंग्स मॉडुलस। सो द क्वेश्चन इज हाई यंग्स मॉडुलस इन द मटेरियल कैसे अराइज होता है। गिवन ऑप्शंस आर हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स, नन ऑफ अबो। सो इन द मटेरियल्स हाई इलास्टिक लिमिट अराइजेस फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहता है, इफ इट इज हाई, द इलास्टिक मॉडुलस इज ऑल्सो हाई। सो द ऑप्शन ए हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। एज कंपेयर्ड विथ कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज। सो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को वी आर कंपेयरिंग विथ कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो दिस इज हियर, दिस इज ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसको हम कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। गिवन ऑप्शंस आर अबो एंड राइट, बिलो एंड राइट, अबो एंड लेफ्ट, बिलो एंड लेफ्ट। सो हियर ऑप्शन सी अबो एंड लेफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई एम नॉट 100% श्योर आइदर ये आंसर करेक्ट है या गलत है। आपको लगेगा कि कुछ गलत है तो प्लीज कमेंट में आप बता दीजिए। शेप ऑफ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का शेप किस पे डिपेंड रहता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट, टेम्परेचर, ऑल ऑफ अबव। सो दिस इज द ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका शेप डिपेंड रहता है ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। टफनेस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू एरिया अंडर डैश पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। अभी इसमें टफनेस किस एरिया में आता है, वी हैव टू आंसर हियर। गिवन ऑप्शंस आर इलास्टिक, प्लास्टिक, बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक, नन ऑफ अबव। सो टफनेस इज द एरिया अंडर बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट। जो पूरा एरिया आएगा, दिस एरिया इज measure of toughness for both ductile and the brittle materials. So that option B, elastic and plastic is the correct option. Ductility of a material can be defined as ability to undergo large permanent deformation in compression, ability to recover its original form, ability to undergo large permanent deformation in tension, all of अबो। सो एक मटेरियल का डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये जो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन में हो जाएगा अंडर द टेंसाइल लोड, नॉट ऑन द कॉम्प्रेशन। सो द ऑप्शन सी अंडर टेंशन, डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैलेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज, सो मैलेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, जो मटेरियल को हम कॉम्प्रेसिव लोड लगाया तो टू प्रोड्यूस द थिन शीट्स आउट ऑफ इट्स, इसको हम मैलेबिलिटी कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मटेरियल। सो द ऑप्शन ए हियर, एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कॉम्प्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिगर आउट द ऑड पॉइंट इन द फॉलोइंग।
proportional limit, elastic limit, yield point and fracture point. इसमें odd point कौन सा है, we have to identify. So proportional limit, it is on the elastic region. Elastic limit, it is also on the elastic region. Yield point, this is also on the elastic region. Coming to fracture point, so the fracture point in the plastic region. So the option D is the odd in the given. So D is correct option. In metal cutting operation, maximum heat, that is 80 to 85% of heat is generated in. So metal cutting operation mein maximum amount of heat kahan pe generate hota hai. The shear zone matlab on the shear plane, the chip to tool interface, chip or tool ka interface mein, the tool and work interface, tool or work ka interface mein, none of the above. So in the metal cutting operation, on the shear zone, the maximum heat is generated. So option A, the shear zone is the correct option. Broaching is applied for machining. So broaching ko hum machining mein kaha pe apply karte hai is the question. Internal and external surfaces, round or irregular shaped holes, external flat surfaces, all of this. So this is the one broaching tool. And these are the jobs done by the broaching application. So we can apply broaching for all of these given option. So option D, all of these is the correct option. Which of the following is gear finishing process? So isme gear finishing process kaun sa hai, we have to answer here. Gear lapping. So this is the gear lapping. Isme hum oil with abrasives gear ka surface finish karne ke liye use karte. This is gear lapping. So gear lapping is gear finishing process. Gear shaving. So this is the gear shaving. As you can see the teeth here. So isko bhi hum gear finishing mein use kar sakte. Gear grinding. With the help of grinding wheels, we grind the wear and tear in the gear. So gear grinding is also correct. So that option D, all of above is the gear finishing processes. The process of cutting thin gears from metal sheet is known as. So thin gears from metal sheet. So this is a thin gear of metal sheet. Is cutting ko hum kaun sa process kehte hai? Stamping, sintering, rolling or punching. So it is stamping process where we manufacture the thin gears. Option A is correct option. Which type of gears can be manufactured by extrusion process? So extrusion process se hum kis type of gears we can manufacture? Bevel gears, helical gears, worm gears or spur gears. So extrusion is a powder metallurgy process where we can manufacture the helical gears. So the option B, helical gears, is the correct option. An important geometrical quantity in the cutting of metals which can be used as criteria for machinability of metals. So ek important geometrical quantity hai in the cutting of metals which can be used as criteria for machinability of metals. Kaun sa geometrical quantity hai out of this that is important for the machinability of metals. Given options are cutting speed, shear angle, feed rate or tool geometry. So here the shear angle, what you can see here, the shear angle is important criteria which determine the machinability of metals. So the option B, shear angle, is the correct option.